दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री की मल्टी टैलेंटेड अदाकारा श्रद्धा आर्या ने नेवी ऑफिसर राहुल नागल से 16 नवंबर को शादी कर ली है और इन्होंने अपनी शादी में करोड़ों रुपए का खर्च किया है। जी हाँ, इनके लहंगे से लेकर इनकी ज्वेलरी बहुत ही एक्सपेंसिव थी। वहीं इनके पति की शेरवानी और शूज भी कुछ कम कीमत के नहीं थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्रद्धा आर्या सहित किस जोड़ी ने अपनी शादी में सबसे ज्यादा रुपए खर्च किए हैं? नहीं ना, तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको श्रद्धा आर्या सहित उन्हीं जोड़ियों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी शादी में पानी की तरह पैसा बहाया है और यही बताने वाले हैं कि किस जोड़ी ने सबसे ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं श्रद्धा आर्या सहित किस जोड़ी ने अपनी शादी में किया है सबसे ज्यादा रुपए खर्च। नंबर 5, दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया। इस लिस्ट की पांचवी कड़ी में अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया का नाम शुमार है जिन्होंने अपनी वेडिंग पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। जी हाँ, इनके लहंगे की कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए से ज्यादा थी और इनके पति की शेरवानी की कीमत भी 1 लाख रुपए के इर्द गिर्द थी और इन्होंने 2 करोड़ रुपए में मेहंदी से लेकर शादी जैसे सारे फंक्शन को बहुत अच्छे से मैनेज किया था। नंबर 4, दिशा परमार और राहुल वैद्य। बात करें दिशा परमार और राहुल वैद्य के वेडिंग खर्च के बारे में, तो इन दोनों ने एक दूसरे से साल 2021 में शादी कर ली है और कहा जाता है कि इन्होंने अपनी वेडिंग में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें से इनके लहंगे की कीमत 1,20,000 रुपए थी और इनके पति ने भी एक्सपेंसिव ब्रांड की शेरवानी पहनी थी और इन्होंने मुंबई के प्लुश होटल में शादी की है जिसमें शादी के मंडप से लेकर खाने पीने की जगह को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। नंबर 3, श्रद्धा आर्य और राहुल शर्मा। कुंडली भाग्य सीरियल की फेमस एक्ट्रेस श्रद्धा आर्य और उनके हस्बैंड राहुल नागल का भी नाम इस कड़ी में शामिल है और इन्होंने भी अपनी शादी में तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ, इन्होंने अपनी शादी में अच्छी खासी रकम खर्च की है जिसमें इनके लहंगा और ज्वेलरी की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है और इनके पति की शेरवानी और शूज की कीमत भी 8 लाख के इर्द गिर्द बताई गई है जिसमें शादी के सजावट से लेकर खाने पीने तक की सभी व्यवस्था शामिल है। तो इस तरह से इन्होंने एक एक्सपेंसिव शादी की थी। नंबर 2, दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम। चलिए बात करें जोड़ी दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम के बारे में, तो इन दोनों ने अपनी शादी में 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जिन्होंने अपने लहंगे से लेकर अपने पति के शेरवानी बहुत ही अच्छे ब्रांड की खरीदी थी और अपनी शादी में बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरी को कैरी किया था। इसके अलावा इन्होंने जिस होटल में शादी की थी वह भी कोई ऐसा वैसा होटल नहीं बल्कि मोस्ट एक्सपेंसिव होटल था। तो इस तरह से इन्होंने अपनी शादी में 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नंबर 1, रूबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला। जी हाँ, रूबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला ने अपनी शादी में सबसे ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। कहा जाता है कि रूबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला ने अपनी शादी में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। जी हाँ, इन्होंने सगाई में बेहद एक्सपेंसिव ड्रेस पहना था और शादी में भी साथ ही इनके पति अभिनव शुक्ला ने भी बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड की शेरवानी कैरी की थी और इन्होंने सगाई में बहुत ही ज्यादा रुपए खर्च किए थे। इससे ज्यादा इन्होंने अपनी शादी में रुपए खर्च किए। जी हाँ, इन्होंने अपनी शादी में पानी की तरह पैसा बहाया था। तो इस तरह से इन्होंने अपनी शादी में सबसे ज्यादा रुपए खर्च किए थे। तो दोस्तों, आपको इन जोड़ियों में से किस जोड़ी की वेडिंग तस्वीरें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें उस जोड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।